हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हमारे मिथिला का एक बहुत ही खास और स्वादिष्ट सब्जी भाटा सीम और आलू को पीली सरसों की ग्रेवी में बनाएंगे। ये जितना ही सुंदर देखने में लगता है, उतना ही खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट होता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इसे बनाने की तैयारी करें। इसके लिए हम सबसे पहले भाटा लिए हैं। भाटा को अच्छी तरह से धो करके और काट लिए, इसी तरह से लंबा काटना है। और ये भाटा बहुत ही ताज़ा होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हमने डंठल भी काट के नहीं हटाया है, तो ये बिल्कुल ही हरा सा डंठल रहना चाहिए। डंठल का भी, बैंगन का जो डंठल है उसका भी सब्जियों में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप बैंगन जब भी ले तो बिल्कुल ताज़ा बैंगन लें। सीम हमने 200 ग्राम लिया है, इसे अच्छे से हमने छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसे धोकर साफ कर लिया है। आलू 2 बड़े लिए हैं, इसे छिल करके हमने धोकर छोटे टुकड़े कर लिए हैं। मसाले के लिए 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून पीली सरसों और 4 सूखी मिर्च हम लिए हैं। मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप मिर्च को रखें। फोरन के लिए हमने लाल सूखी मिर्च, तेज पत्ता, हींग और 5 फोरन लिया है। ये कैसे बनाते हैं ये अगर आपको नहीं पता हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप वो देख सकते हैं। लाल मिर्च, सरसों और धनिया पाउडर, इन सभी को एक साथ मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक थिक और बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। ये मसाला पीसकर हमारा तैयार है, तो इसी तरह से बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट आपको भी पीस लेना है। गैस ऑन कर लेंगे और यहाँ पे कढ़ाई गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हमें इसमें तेल गर्म कर लेना है। तो तेल मैं यहाँ सरसों का ली हूँ, ये लगभग 100 ग्राम है। आप भी अगर संभव हो तो सरसों के तेल में ही इसे बनाएं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में इसका जो एक ऑथेंटिक टेस्ट है वो नहीं मिलेगा। हम मिथिला में कभी भी कोई भी सब्जी या कोई भी पकौड़े रिफाइंड तेल में नहीं बनाते हैं, सरसों का तेल का ही हम प्रयोग करते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ के जो भी सब्जी हम बनाते हैं उसका एक बहुत ही अलग सा टेस्ट होता है। टेस्ट के साथ कलर, फ्लेवर सब अलग होता है। तेल हमारा गर्म हो रहा है तो अब हम यहाँ पर इसमें फोरन डाल लेंगे, वही लाल मिर्च, तेज पत्ता और 5 फोरन जो हमने लिया था उसे हमें यहाँ हल्का सा पका लेना है। अब हम हींग ऐड कर लेंगे इसमें और हींग को भी अच्छी तरह से हमें पकाना है। हींग कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हींग का एक सब्जी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से लाल होने हो जाने तक इसे हम पकाएंगे। अब हमारा हींग पक चुका है तो यहाँ पे हमें सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर लेना है। सभी सब्जियों को एक साथ मिक्स करके हम अब यहाँ पर इसे चलाएंगे और तेज आंच पर ही हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसे भूनना है अच्छी तरह से। और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे यहाँ नमक और हल्दी। नमक हम यहाँ 3 छोटा चम्मच यानी 3 टीस्पून डाली हूँ। और इसी तरह से यहाँ पर हमें अब इसमें ऐड कर लेना है हल्दी और इसको अभी हमें कम से कम तेज आंच पर ही 5 से 7 मिनट और चलाते हुए अच्छी तरह से इसे भूनना है, ताकि बिल्कुल ये लाल हो जाए हमारा सब्जी। जी, तो यहाँ पर हम इसमें अब सरसों का पेस्ट ऐड कर लेंगे।
और सरसों का पेस्ट डाल करके इसे अभी अच्छी तरह से चलाते हुए हम भुनेंगे। अभी हमें इसे ढककर ही पकाना है। ये देखिए हमारा लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है और अब आप देख रहे हैं कि मसाला इसका काफ़ी भुन चुका है और लाल होने लगा है, और सरसों का जितना भी पानी था वो जल गया है और मसाला हमारा लाल हो रहा है। तो मसाले को भून करके हमें बिल्कुल इसी तरह से लाल कर लेना है और पानी पूरा उसका मसाले का जला देना है जिससे कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और सरसों का जो मसाला है उसमें जो एक कच्चापन रहता है वो हट जाना चाहिए। तो अभी ढक करके आँच हमने कम कर लिया है और यहाँ अभी हम 4 से 5 मिनट तक के पकाए हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा सब्जी अब भून चुका है पूरी तरह से। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि आलू हमारा पकाया नहीं, तो आलू भी हमारा अब अच्छी तरह से पक चुका है और सरसों का कलर आप देख रहे होंगे, मसाले का कलर भुना हुआ बिल्कुल जैसा मैं लाल भुनी हूँ, इसी तरह से आपको भी बिल्कुल लाल करके भुनना है मसाले को। और अब हम यहाँ इसमें ग्रेवी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डाली हूँ क्योंकि यहाँ हमें ग्रेवी काफ़ी थिक इसका बनाना है। तो इसे अब हम इस तरह से मिक्स कर देंगे, और चूंकि सरसों की ग्रेवी है तो इसमें थोड़ी सी खटाई की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अब इसमें ऐड करूँगी अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मैं 2 छोटा चम्मच 2 टीस्पून मैं यहाँ डाली हूँ, और आप चाहे तो यहाँ इमली भी ऐड कर सकते हैं, आप जितना खाना खट्टा खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से, क्योंकि ये सब्जी खट्टा और सरसों का टेस्ट मिल के बहुत ही चटपटा सा बनता है, तो इसलिए यहाँ पे खट्टा ऐड करना है हमें। और अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम ढक करके 5 मिनट तक तेज आंच पर मैं इसे पकने देंगे। सब्जी हमारा पक चुका है और ग्रेवी भी बस इतना ही हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ इसे गैस को ऑफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप भी इसे बना करके खाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।